हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस तरीके से अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करें। चलिए देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या है। ड्राई चिली पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले लिए हैं ये पनीर क्यूब्स, कैप्सिकम, इस तरीके से ये ऑनियन के पेटल्स निकाल लिए, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, सॉल्ट, जिंजर, चॉप्ड गार्लिक एंड ये कॉर्न स्टार्च लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। एक बाउल में हमने ये 2 चम्मच मैदा लिया है, 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है यहाँ पर मैंने, और हम इसमें डाल देंगे ये 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसमें डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और ये थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ मैं। इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमें ये पेस्ट इतना तैयार करना है जिससे ये पनीर के हमारे ये पकौड़े तैयार हो जाएं। पनीर के पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया। अब हम एक एक पकौड़े इसमें डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। चिली पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक को सौते कर लेंगे और अब हम डालेंगे यहाँ पर जिंजर। अब ऐड करेंगे यहाँ चॉप्ड अनियन, इसे भी कुछ सेकेंड तक सौते कर लेंगे। इस स्टेज पे ग्रीन चिली, अनियन एंड कैप्सिकम ये सारा कुछ ऐड कर देंगे, इसे भी सौते कर लेंगे। और हम यहाँ पर ऐड करेंगे सॉल्ट। वेजिटेबल्स को हमको एकदम लाइट पकाना है। अब हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे यहाँ पर। पानी का छींटा डालने से थोड़ी सी वेजिटेबल्स ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पानी का छींटा दिया है। वेजिटेबल्स हमारी कुक हो गई हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने पनीर फ्राई किए थे ये सारे डाल देंगे। पनीर को भी वेजिटेबल्स के साथ में सौते कर लेंगे। अब हमने जो कॉर्न स्टार्च लिया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका एक लिक्विड तैयार कर लेंगे, वो डालेंगे यहाँ पर। और सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे और 1 चम्मच के लगभग चिली सॉस डाला है। हम इसे भी अच्छे से सब पूरा सौते कर लेंगे। इस स्टेज पे अब मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप टोमेटो केचप डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, इससे हमारे सारे स्पाइसेस बैलेंस हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए ये चिली पनीर एकदम तैयार है सर्विंग के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। अगर आपको मेरी बताई रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।